देखिए, बॉलीवुड एक्टर से बिजनेसमैन बने साहिल खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक्टर को बैटिंग ऐप केस में हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद साहिल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। हालांकि एफआईआर में उनके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन उनकी जमानत को खारिज कर उन्हें 4 दिन की कस्टडी पर भेज दिया गया। तो देखिए, उत्तराखंड के जंगल पिछले 4 दिनों से सुलग रहे हैं। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। सरकार से लेकर सेना तक एक्शन मोड में है। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग है कि बुझती नहीं। उत्तराखंड के जंगलों में तेजी से फैल रही आग अब बेकाबू हो चुकी है। जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों की ओर फैल रही है। आग बेकाबू हुई तो मुख्यमंत्री एक्शन में आए। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए भीमताल से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश हो रही है। चमोली, बद्रीनाथ और केदारनाथ वन प्रभाग के अलग अलग जंगलों में भी भीषण आग लगी हुई है। जंगल धूं धूं कर जल रहे हैं और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बचेर और नंदप्रयाग पोखरी के धनपुर रेंज के जंगलों में लगातार आग धधक रही है। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। नैनीताल में भी जंगल दहक रहे हैं। आग रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। आग इतनी भयानक है कि फायर सर्विस की गाड़ियां काबू पाने में नाकाम साबित हो रही हैं। सड़क और हाईवे पर हर ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हाईवे पर वाहनों को आने जाने से रोक दिया गया है। ट्रैफिक को हमने रोक रखा है, क्योंकि हवा बहुत तेज है, बहुत गहरा धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक घर में लगी है, बेसिकली उसको कंट्रोल करने की सोच रहे हैं हम सब। उत्तरकाशी और टेहरी में जंगल दहक रहे हैं। लाखों की वन संपदा नष्ट हो रही है। आग की वजह से पहाड़ों से पत्थर नीचे गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। हर ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। आग पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। देवभूमि के जंगलों में गर्मी के महीने में आगजनी की घटनाएं आम है। नवंबर 2023 से अब तक उत्तराखंड के जंगल में आग लगने की कुल 575 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें करीब 690 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड में जंगल दहक रहे हैं। सरकार से लेकर सेना तक आग बुझाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।